इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप इसको 270 माइनस या 180 प्लस से ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन 180 प्लस कॉस 180 प्लस टैन 180 प्लस एंगल ए से डिनोट कर दिया, कॉट 180 प्लस सेक 180 प्लस कोसेक 180 प्लस एंगल, एंगल को ए लिखो या थीटा लिखो। अब नोटेशन अगर ए बी देंगे एंगल के लिए तो ये हमेशा कैपिटल यूज करिएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो पहले आप साइन लगाओगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, चतुर्थांश के हिसाब से। पहले आप पॉजिटिव या निगेटिव का साइन डिसाइड करेंगे। ये माइनस होगा तो माइनस आप अप्लाई कर दीजिए। अब अभी डिस्कस हुआ कि 180 के मल्टीपल पे फंक्शन नहीं बदलेगा तो साइन साइन ही रहेगा और 180 डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए, कॉस 180 प्लस ए माइनस कॉस ए, टैन 180 प्लस ए। लेकिन टैन जो है वो थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा, ये टैन ए के इक्वल आएगा। इसी तरह कॉट 180 प्लस ए भी कॉट ए आएगा, सेक 180 प्लस ए माइनस सेक के आएगा, और कॉसेक 180 प्लस ए पाई प्लस ए जो होगा वो माइनस कॉसेक के आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। दैट्स ऑल।